स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आए हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को हैदराबाद से भारत जोड़ो यात्रा बहाल की और उनका दिन में करीब 24 किलोमीटर की दूरी तय करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा का 55वां दिन खास है। राहुल गांधी चार मीनार से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जहां से 19 अक्टूबर 1990 को राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम हमारे साथ होंगे। पद यात्रा शमशाबाद के मठ मंदिर से शुरू हुई और दोपहर में विश्राम के लिए हैदराबाद में बहादुरपुर के लेगेसी पैलेस में कुछ देर रुकेगी। खड़गे हैदराबाद में गांधी के साथ पदयात्रा करेंगे। वो पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार यात्रा में शामिल होंगे। खड़गे दोपहर में हैदराबाद पहुंचेंगे और शाम के चरण में यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी का हैदराबाद में नेकलेस रोड पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक और भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का सोमवार देर रात जमशेदपुर में निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। टाटा स्टील ने ईरानी के निधन की जानकारी दी है। ईरानी चार दशकों से अधिक समय से टाटा स्टील से जुड़े हुए हैं। वो 43 वर्ष की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने और पेशेवर जीवन की शुरुआत करने के बाद ईरानी 1968 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। वो कंपनी से अनुसंधान और विकास के प्रभारी निदेशक के सहायक के रूप में जुड़े। टाटा स्टील और टाटा सन्स के अलावा डॉक्टर ईरानी ने टाटा मोटर्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित टाटा समूह की कई कंपनियों के निदेशक के रूप में काम किया है। ईरानी के परिवार में उनकी पत्नी डेजी ईरानी और उनके तीन बच्चे जुबिन, निलोफर और तनाज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार देर रात गांधीनगर राजभवन में मोरबी पुल हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और आला अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और लोगों को पूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में 2 नवम्बर को प्रदेश के राजकीय शोक रखने का फैसला किया गया है। मोदी आज दोपहर 1 बजे मोरबी पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। सोमवार को मोदी ने अपना रोड शो बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी परिवर्तन यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आदि नेता सोमवार को मोरबी पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।